ಮೈಸೂರು ನ್ಯೂಸ್ 21 ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಆಯಿಷಾ ಬಾಯಿ. ಇಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ ವಿಷಯ. ಮೈಸೂರು ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಾದ ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ರವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಅಸಿಸ್ ಸೇಠ್ ಬ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಸೈಯದ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ ರವರು ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 17ರಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮನೆಗೂ ನೀರಿನ ಕ್ಯಾನ್ ವಿತರಿಸಲು ಮೊದಲೇ 500 ಟೋಕನ್ ವಿತರಿಸಿದ್ದರು. ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಾದ ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್ ರವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಏಕಾದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಿ ನಂತರ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ನೀರಿನ ಕ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ವಿತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿದರು. इकबाल भाई की तरफ से जो पानी के कैन वगैरह डिस्ट्रीब्यूशन आपके हाथों से हुआ है, आपने लोगों से मुलाकात की, आप क्या महसूस कर रहे हैं सर? जी, सबसे पहले मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मैं शुक्रगुजार हूँ. गुज़िश्ता 2 साल से मैं मेरा जन्मदिन मनाने से ज़रा अपने आप को है ना इस कार्रवाई से ज़रा दूर रखा. जी, मैंने इस मरतबा और गुज़िश्ता बार भी ये अपील की थी कि जो कोई मेरा बर्थडे मनाना चाहता है खासतौर से फजूल खर्चा ना करे, जो शॉल हार केक पे पैसा डालते हैं, क्योंकि 1.5 साल में हमने कोरोना की वबा में बहुत सारे ऐसे चीज़ देखे हैं जिससे ना हमें इबरत हासिल करना हमारे ऊपर एक फर्ज है. इसी लिहाज से जितने मेरे चाहने वाले हैं, कोई मेडिकल कैंप किया, कोई बच्चों के लिए किताबें तकसीम किया, कोई राशन तकसीम किया, इकबाल 1922 साल से मेरे हर सालगिरह में खाने का इंतज़ाम और आर्केस्ट्रा रखने का यही काम. ये इन चीज़ों को गुज़िश्ता 2 साल में हमने बंद कर कर बजाय फजूल खर्चे कुछ नेक कामों में लगाने के लिए अल्लाह जो हिदायत दिया है इसके ऊपर अमल करते हुए काम कर. और यहाँ आने के बाद लोगों में जो मोहब्बत है, बहुत सारे बुजुर्ग ख़वातीन दुआओं के साथ मेरा इस्तकबाल भी किया, यही मेरी ताकत है और यही हौसले से अवामी ज़िंदगी में काम करने का जज्बा और मजीद तरीके से मेरे में होता है. सर, आज ऑफिशियली दशहरा नाड़ा हबा का इफ्तिताह हुआ था, इसका मैसेज क्या दिया सर? ये दशहरा, इसकी तारीख 800 साल की है. तारीख को बदलने की कोशिश बीजेपी की हुकूमत लगातार करती आ रही है. आज का जो दशहरा का प्रोग्राम है, इसे कृष्णा के हाथों इन्होंने इसका इफ्तिताह करवाया, लेकिन दशहरा कम था और सियासत ज़्यादा थी. ये एक नाराज़गी का सबब भी है कि कभी इससे पहले दशहरा के मौके में सियासी तकरीरें नहीं होती थी, तो आज का पूरा प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ सियासत रहा. ये मेरी नाराज़गी मैं स्टेज के ऊपर ही बयान करके आया. अच्छा, हालांकि सिंगापुर मॉडल को लेकर एक्सचीफ मिनिस्टर ने उन्हें जोर देकर कहा कि नहीं, एसएम कृष्णा की तकरीर में उन्होंने टूरिज्म सर्किट बनाने का एक मांग रखा है, क्योंकि दशहरा जब कभी भी आता है तो हमारे ऑफिसर इसमें है ना 3-4 माह है ना इसके पीछे लग जाते हैं. जी, तो हाई पावर कमेटी में मैंने हुकूमत से मांग भी रखा है कि मैसूर टूरिज्म अथॉरिटी बनाए और जिसके तहत मैसूर, मंड्या, हासन, चामराजनगर और कुर्ग, ये 5 जिलों का है ना टूरिज्म सर्किट बनाए. उसी बात को आज एसएम कृष्णा भी कहा है और वज़ीर आला उसे है ना फिक्र के साथ उसके ऊपर है ना कार्रवाई करने की बात उन्होंने कही है. और इसके साथ एसएम कृष्णा ने सिंगापुर का एक हवाला देते हुए कहा कि लगातार वहाँ वो कोशिश से और टूरिज्म से आज एक मुल्क सिंगापुर जैसा मुल्क है ना खड़ा है, तो हमें भी इस तरीके से
बाहर के मुल्क से ना जो भी लोग यहाँ आते हैं उनकी सहूलत और ना एक अच्छे माहौल को यहाँ बनाना, ईमानदारी तिजारत में ईमानदारी हो और साथ ही साथ है ना यहाँ के जो मुकाम हैं उसे साफ सुथरा रखना और साथ में है ना एक जगह से एक जगह जाने के लिए इंटर कनेक्टिविटी अगर हो जाए तो टूरिज्म के एक जरिए आम लोगों की भी है ना रोजी इसमें है ना चल सकती है। तो इस लिहाज से है ना हमारी ये कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट गाइड जिनको है ना हमारे पुराने मुकाम हैं उनकी जानकारी पूरी तरह से हो। अभी कभी कभी हमें खुद है ना हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह के दरबार में हमारे मौजूदगी में कई लोग कई किस्म के है ना वाक्य वहाँ पे बताते हैं। तो मैंने ये सोचा है कि ना ख़ास तौर से हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह के दरबार के लिए गाइड्स को तैयार करना और पूरी तारीख को है ना लोगों तक पहुँचाने का एक सिलसिला जारी करने की भी मैंने सोची है। तो हो सकता है कि इसी तरीके से है ना टूरिज्म नेटवर्किंग में इसे और ज़्यादा तरक्की के मनसूबों को सामने रखकर काम करें। मेरा साहब जो कोरोना की वजह से लखनऊ को जो दो साल पहले बोला है मैं आने से इतने प्रॉब्लम सोते हैं सब हंसते हैं लखनऊ है उसी वजह से हमें क्या करें बाटला पानी के बाटेंगे हर घर में पानी का प्रॉब्लम है आज हर आदमी 5 रुपये का कैमरे लगाने जाता है उस स्विच को पानी का एक काम करिए करें इंशाल्लाह 17 नंबर वार्ड में जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा पानी का बाटला ये बर्थडे के बाद इंशाल्लाह कोशिश करो देने की कोशिश करें ऐसा करो सावन ने हिंदी के पुनर्जन्म पड़दिवंतः नम नरसिंहराज क्षेत्र नेचिन शासक तन्वीर सेक्सवर ಹುಟ್ಟುವ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಇವತ್ತೇನು ಹೆಬ್ಬಾಳ್ರವರು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದರು ಇದು ಸಾಹೇಬರ ಆಜ್ಞೆ ಮೇಲೆಯೇ ರೂಪಿಸಿದರು ಇವರು ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಹಾಗೂ ಏನು ಊಟ ಹಾಕುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಇದು ಬೇಡ ಸುಮಾರು 1.5-2 ವರ್ಷದಿಂದ ಜನರು ತುಂಬ ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಬಡವ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅಂದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ರವರು ನೀರಿನ ಕ್ಯಾನ್ ಹಂಚುವ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬನ ಆಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ।